नेक्स्ट आम सॉल्व करिबा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन दला इन ट्रायंगल पीक्यूआर राइट एंगल एट क्यू एंड पीआर प्लस क्यूआर दला 25 सेंटीमीटर एंड पीक्यू दला 5 सेंटीमीटर डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। आकु मध्ये आम जेतेबेले सॉल्व करिबा आमको मध्ये राइट एंगल ट्रायंगल नबाक पडिबा गुटे गोटे राइट एंगल ट्रायंगल फास्ट ड्र कर दबा पीक्यूआर। तो राइट एंगल एट क्यू देजी तो आम जो राइट एंगल ट्रायंगल ड्र कर नबा पी क्यू आर राइट एंगल हो क्यू। तो वर्तमान आम पाखे चित्र पल आसला तो आउ गोटे क्वेश्चन कौन दला पी आर प्लस क्यूआर है 25 सेंटीमीटर लिखिदे पी आर प्लस क्यूआर है 25 सेंटीमीटर आ गोटे दला पी क्यू है 5 सेंटीमीटर पी क्यू है 5 सेंटीमीटर। तो ये दला पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर ए दीटा साइड भितर आम गोटे को हेले गोटे साइड को आम एक्स ने जीवा लेट की पी आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर पी आर जदि एक्स है क्यू आर केते हबो पी आर प्लस क्यू आर दुईटा जाक मिसिले होची 25 ताले क्यू आर केते हे जीवो 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर कौन पे है ना दुईटा जाक मिसेले हो 25 ए भितर जदि गोटे एक्स है आ गोटे के 25 माइनस एक्स। तो पी आर आसला क्यू आर आसला पी क्यू मध्य आम पाखे अच्छी तो यू कौन करवा आम पाखे 25 माइनस एक्स जो अच्छी आर वैल्यू केते काढ़ एक्स रैल्यू केते काढ़ सॉल्व करने आम कौन करवा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करवाक पड़ो। तो से जिन आम लिखिद अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर ये गोटे जिनस देखा सबूर देखिए साइन र पी कॉस र पी टेन र पी जदि आम एंगल पी रि आम साइन कॉस आउ टेन काढ़ पीआर हूँ हाइपोटेन्स आउ पीक्यू हो बेस तो पीक्यू हो बेस आउ क्यूआर हो परपेंडिकुलर आउ पीआर हम हाइपोटेन्स। तो पाइथागोरस थ्योरम जदि आम अप्लाई करवा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये एच हूँ पीआर तो पीआर र स्क्वायर इज इक्वल टू पीक्यू र स्क्वायर प्लस क्यूआर र स्क्वायर। तो पीआर जगह पीआर र वैल्यू पकईदे पीआर को आम नहीं एक्स एक्स र स्क्वायर इज इक्वल टू पीक्यू र वैल्यू हूँ 5 5 र स्क्वायर प्लस क्यूआर र वैल्यू हूँ 25 माइनस एक्स र होल स्क्वायर ताको आम जब फर्दर सल्व करवा एक्स र स्क्वायर है एक्स स्क्वायर 5 र स्क्वायर है 25 प्लस यहाँ है 25 माइनस एक्स र होल स्क्वायर तो ए माइनस बी होल स्क्वायर तो 25 होल स्क्वायर है 625 माइनस 2ab जब करवा 25 दुणे 50 एक्स माइनस 50 एक्स प्लस बी स्क्वायर हूँ एक्स र स्क्वायर हूँ एक्स स्क्वायर सब एक्स जाक गोटेपटे करदे ये अच्छे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को प्लस एक्स स्क्वायर है एपटे जो एक्स स्क्वायर अच्छी यदि आम सैड चेज करदे ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 50x आपको भी जी एपट को नहीं आसवा ये जीव प्लस 50x नेक्स्ट एपट जोटा रही 25 प्लस 625 आपको आड करदे 650 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैनसल हो गला 50x इज इक्वाल टू 650 इम्प्लाइज दैट जब आम एक्स रैल्यू काढ़ बर्तमान ये 650 डिवाइडेड बै 50 गोट जीरो कैनसल हो 5 रे काटले 13 5 जार 65 तो एक्स है गला 13 जदि एक्स है गला 13 आम एक्स का नीचे ना एक्स नीचे पी आर को तो पी आर रो वैल्यू आम पाखे हो गला 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आम नहींचु क्यू आर को नहींचु कौन 25 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स जगह आम पकईदे 13 25 रु 13 माइनस हेल्ले 12 आउ तो पी क्यू इज इक्वल टू 5 को 5 रहा। तो ये आम सॉल्व कला
आमको जहाँ जहाँ देखिए काढ़ फास्ट काढ़ साइन पी साइन पी साइन अर्थ है कौन पी बाय एच यदि आम डायग्राम को देखा पी है गला क्यू आर एच है गला पी आर तो ये गला क्यू आर अपन पी आर क्यू आर वैल्यू है ट्वेल्व और पी आर वैल्यू है थर्टीन तो साइन पी है गला ट्वेल्व बाय थर्टीन तापर नेक्स्ट दीला कॉस पी कॉस अर्थ हो कौन बेस अपन हाइपोटेन्स तो ये बेस हूँ कौटा पी क्यू आ हाइपोटेन्स हूँ पी आर तो ये कॉस पी है पी क्यू अपन पी आर पी क्यू वैल्यू हूँ फाइव सेंटीमीटर आ पी आर वैल्यू हूँ थर्टीन सेंटीमीटर तो कॉस पी है फाइव बै थर्टीन आ लास्ट आम पाखे रहा टेन पी टेन अर्थ कौन परपेंडिकुलर अपन बेस तो ये परपेंडिकुलर हूँ कौटा क्यू आर अपन बेस हूँ पी क्यू क्यू आर अपन पी क्यू हूँ क्यू आर वैल्यू है गला ट्वेल्व अपन पी क्यू हूँ के फाइव सेंटीमीटर टेन पी है ट्वेल्व बाई फाइव।